मैंने तुमसे कहा था कि दानियाल का बच्चा इस घर में नहीं आएगा। चौबीस, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि वो मेरा बच्चा भी है? क्या, कौन से हॉस्पिटल में है? अच्छा ठीक है, तुम उसी के साथ रहना। से क्या होगा जमीला, मैं श्यामा की असली माँ थोड़ी हूँ, रोक थोड़ी सकती हूँ उसे। जी आपको कोई काम था? दानियाल ने बताया तो होगा तुम्हें मेरे बारे में। हेलो, क्या क्यों? शामक का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। तो मुझे हॉस्पिटल जाना है फौरन। ये डिनर भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताया था कल, हमें वहां भी पहुंचना। शावेज, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, मेरा हॉस्पिटल जाना जरूरी है। डार्लिंग ठीक है, लेकिन बाहर से डेलीगेशन आया हुआ है स्पेशली फॉर मी, इसलिए हमारा वहां पे पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे हॉस्पिटल जाना है फौरन, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं अपने डिनर की पड़ी हुई है। वहां पे सब खैर हो, अगर मैं आ सकी देन आई कम टू यू स्टूपिड डिनर। हाँ तो तुम मुझे वहां एक घंटे में चाहिए हो, पहुंच जाना वहां पे। हरियाल, मामा आ रही है ना? मैंने आपके मामा को फोन कर दिया। और बाबा कहाँ? बाबा आपके बाहर हैं, वो डॉक्टर के पास हैं, आपकी रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। और आप इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको डॉक्टर ने मना किया ना इतनी सारी बातें करने से, रेस्ट करो। शामक, मामा आप आ गए। तुम ठीक हो बेटा? Are you okay? डॉक्टर ने देखा था एक्सीडेंट कैसे हुआ? बोलो। श्यामा, मैं अब चलती हूँ। नहीं मामा, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, आप मेरे बहादुर बेटे हो ना। I'll come tomorrow। नहीं मामा, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। मामा प्लीज। शामक जिद नहीं करते, मामा का जाना बहुत जरूरी है, मेरी एक मीटिंग है बेटा। ओके? नहीं मामा, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप मेरे पास ही रुकें। मैं प्रॉमिस कर रही हूँ ना कि मैं कल सुबह आ जाऊंगी और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स भी लेके आऊंगी। ओके? अब जिद नहीं करो, बी अ गुड बॉय, आराम से सो जाओ। आई विल सी यू टुमॉरो। ओके बाय। मेरे बेटे का ख्याल रख। ये बात आपको कहने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको फिक्र हो रही है तो आप यहाँ रुक जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। नहीं रो, मामा बहुत बुरी हैं, वो मुझे हमेशा छोड़कर चल जाती हैं। मैं तो हूँ ना आपके पास, मैं आपको कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी।
कल तुम्हारी वजह से मुझे कितनी एम्बेरसमेंट हुई। मैं तो सबको एक्सप्लेनेशंस दे देके थक गया। आ तो गई थी मैं। और क्या चाहते हो तुम? क्या इसे आना कहते हैं? एक तो तुम इतना लेट आई, ऊपर से तैयार भी नहीं होकर आई। मैंने सोचा था मैं लोगों को अपनी बीवी से मिलवाऊंगा कि देखें मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है, लेकिन मुझे तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए भी एंबैरेसमेंट हो रही थी। तुम कुछ ज्यादा फजूल बातें नहीं करना शुरू हो गए? तुम कुछ ज्यादा फजूल हरकतें नहीं करना शुरू हो गई? क्या किया मैंने? अपने जख्मी बेटे से मिलने जाना फजूल हरकत है। बेटा तुम क्यों अपने बच्चे को लेकर हम दोनों के दरमियान प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो? तुमने धनियाल से तलाक क्यों ली? अगर तुम्हें बच्चे ही पालने थे तो क्यों की थी मुझसे शादी? रहती उसी के साथ उसकी घरेलू बीवी बनकर? मैंने तुम्हें बिजनेस की दुनिया में एक नाम दिया, एक मकाम दिया। तुमने शामक थोड़ा सा जूस पी लो। नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। आपने डिस्चार्ज होना है ना, तो उसके लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, फिर डॉक्टर आपको घर जाने की इजाजत देंगे। जूस पी लो थोड़ा सा। एक सिप, एक सिप, एक सिप। और आपको पता है जब आप घर जाओगे तो आपके लिए वहाँ पे एक सरप्राइज होगा। कौन सा सरप्राइज? वो तो आप घर जाओगे तो आपको पता चलेगा ना। हेलो बाबा, आप इनसे कहेंगे यहाँ से चले जाएं। शामक क्या हो गया बेटा? मामा हूँ मैं आपकी। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। आप बस इनसे कहेंगे यहाँ से चले जाएं, और आप मेरी मामा नहीं है। शामक हेलो। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ हाँ, यहाँ सब खैरियत है। तुम सुनाओ? नहीं बेटा, अल्लाह का शुक्र। हाँ बेटा, साजदे के ससुराल वालों की तरफ से अब बड़ा इत्मीनान है। मैं बात करूंगी। हाँ बेटा, जरूरत की सारी चीजें खरीद ली। सही। अच्छा ये लो, समरा तुमसे बात करेगी। आराम से भाई, गिर नहीं जाना। ये लड़की तो पागल हो जाती है भाई का फोन सुनकर। दानियाल, कॉफी। थैंक्स। शामक सो गया? जी सो गया। जो बहुत हर्ट हुआ होगा, सानिया ने उसका बहुत दर्द दिखाया है। कभी माफ नहीं करूंगा उसको मैं। तानिया, शामा कभी बच्चा है, समझ जाएगा। हाँ समझ जाएगा, क्योंकि तुम जो उसके पास हो। वैसे पास तो मैं आपके भी हूं, और शामक से ज्यादा दिल तो आपका दुखा हुआ है। आपको भी अब संभल जाना चाहिए। वैसे मैं एक चीज सोच रही थी कि अगर मैं मेडिकल स्टूडेंट होती तो काफी सक्सेसफुल हार्ट सर्जन बनती,
क्योंकि मुझे टूटे हुए दिल बहुत आसानी से जोड़ना आते हैं। अच्छा, तो फिर गई क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज में? अच्छा ही हुआ नहीं गई। अगर चली जाती तो आप जैसे दुखी इंसान की खिदमत करने का मौका कैसे मिलता? किस लिए? मेरे बेटे को इतने दिल से अपनाने के लिए। ये तो माँ का फर्ज होता है और उसे कोई थैंक यू नहीं कहता। क्या हो गया बेटा? मामा हूँ मैं आपकी। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। आप बस इनसे कहेंगे यहाँ से चली जाएं और आप मेरे मामा नहीं हैं। सानिया, क्या हुआ? बच्चा मुझसे दूर होता था। तो तुम क्या चाहती हो? मामा, मैं वही चाहती हूँ जो हर माँ चाहती है। सानिया, तुम देख लो, कहीं तुम इस बच्चे को करीब करने के चक्कर में शाबीज को खुद से दूर ना कर दो। अभी वो तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी जहानत के हिसार में है। पर शावेज जैसे मर्दों को हिसार तोड़ने में देर नहीं लगती। इतनी क्या करनी है? जिस तरह शामख ने मुझसे कह दिया था कि आप मेरी मामा नहीं है, I can't stand it, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो सानिया, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। फनाल, मैंने मान लिया ना कि मुझसे हो गई है गलती, अब क्या करूं? ओके, रिलैक्स, काम डाउन। देखो शामिक, तुमसे इतना अरसा इतना दूर रहा है ना कि वो इमोशनली थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। आई थिंक तुम्हें उसे कुछ अरसा अपने साथ रखना चाहिए। तान्याल कभी नहीं मानेगी, और शावेज तो आई नो, दानियाल तो शायद फिर मान जाए, लेकिन शावीज कभी नहीं मानेगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। नहीं मानता तो ना माने, मगर मैंने भी डिसाइड कर लिया, मैं शामख को लाऊंगी हर हालत में। आई नो, तुम्हें करना भी यही चाहिए। शामक, आप अभी तक गेम्स खेल रहे हो? चलो पहले मेडिसिन खा लो, फिर गेम्स खेलना। ओके, फरियाल आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू मेरा बच्चा। कौन सा गेम खेल रहे हो आप? आपको पता है मैं आपको बहुत आसानी से इस गेम में हरा सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे जी जी जी, अच्छा ठीक है ठीक है, हाफिज।
नाइमा जी अम्मी फरियाल से बात हुई? नहीं, दानियाल भाई से बात हुई थी। वो बता रहे थे शामिक कल जख्मी हो गया था, कल स्कूल से आते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया था। या अल्लाह खैर, अब तो ठीक है ना वो? परेशान नहीं, वो कह रहे थे कि अब वो बेहतर है, लेकिन हमें उसकी तीमारदारी के लिए तो जाना चाहिए। हाँ हाँ, जाना चाहिए हमें। मुझे तो फरियाल की फिक्र हो रही है। ये छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उसके सर पे डाल दी गई हैं। ना कपड़ों का ना जेवर का कोई सुख नहीं देखा उसने। शादी के बाद उस बच्चे की जिम्मेदारी डाल दी उसके सर पर। मियां फिक्र नहीं करें, हमारी फरियाल बहुत समझदार है। हाँ बेटा, समझदार तो है वो। मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। ठीक है। दानियाल, अम्मी का फोन आया था। अच्छा, तो क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि वो शामक से मिलना चाहती हैं, उसकी खैरियत पता करना चाहती हैं। हाँ तो ठीक है, ये बात तो मुझे क्यों बता रही हो? मैं बता नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, वो आ जाए। ये बात तुम्हें पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जिसे चाहे बुला सकती हो। थैंक यू। थैंक यू वाली क्या बात है इसमें, घर तो हमेशा औरत का ही होता है। अगर तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो तो पीछे से ऑफिस का ख्याल जरूर रखना। अहमद साहब भी छुट्टी में। डोंट वरी, ऑफिस का ख्याल वैसे भी मैं ही रखती हूँ, तुम्हारे पीछे भी रख लूँ। तुम्हें पता मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बीवी। मैंने तुम्हें लाइफ पार्टनर बना के कोई गलती नहीं। I completely agree with you. इसलिए तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हें फखर होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ओके। नाश्ता कर लो। तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि शायद फिरोज साहब ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती फरियाल के साथ करा दी है। तुम जैसे लोग मेरे बच्चे के रिश्तेदार नहीं हो सकते, समझी? मुझे लगता है कि आपको अपने लफ्जों पर गौर करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शामक के दिल में जो आपके लिए एहतराम है आप वो भी खो दें। तुम नाराज होना मत सर। रियली सॉरी शामक, मैं बहुत बुरे तरीके से काम में फंस गई थी। आई एम सॉरी। इट्स ओके मामा। अच्छा, तो आपने मामा को माफ कर दिया ना? मैं आपको पिक करने आई हूँ, हम शॉपिंग करने जाएंगे, खाना खाएंगे और बहुत सारे टॉयज खरीदेंगे। नहीं मामा, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, ये चीजें तो मुझे पापा ले देते हैं, मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है। शामक, मैं आई तो हूँ आपके पास। ऐसे नहीं मामा,
जैसे फरियाल हमारे पास है आप वैसे हैं। देखो शामख, फरियाल आपकी कुछ नहीं, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मैं हूँ आपकी मामा। ओके, पर आप मेरे साथ में नहीं रहती, आपको पता है मुझे फरियाल के साथ साथ नहीं नानू भी मिल गई है। What? नानू? देखो बेटा, मेरी जो मामा थी ना वो अब अल्लाह मियां के पास, और वो आपकी नानू, और कोई नानू वानू नहीं है। ओके 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 गुड। अम्मी चाय? नहीं मुझे नहीं चाय पीनी बेटा। तुम ये बताओ कि ये औरत यहाँ करने क्या आई है? अम्मी वो शामख की माँ है। हाँ ठीक है, लेकिन वो यहाँ पहले भी आती रही है? नहीं पहले तो नहीं। मेरा मतलब है तुम्हारी और दानियाल की शादी से पहले भी वो यहाँ आती रही है? नहीं उस वक्त भी नहीं। तो फिर वो यहाँ बच्चे के लिए नहीं आ रही है, वो बच्चे के बाप के लिए आ रही है। बच्चे का तो सिर्फ बहाना है। दानियाल क्या कहता है? दानियाल को भी नहीं पसंद उनका यहाँ आना। तो फिर जाओ, उससे कहो कि यहाँ ना आया करे, मना करो उसको यहाँ आने से। जाओ बोलो उसे। शामख, शामख आपको नानू बुला रही हैं, उनकी बात सुन लो। ओके मामा मैं चलता हूँ। नानी, तुम जैसे लोग मेरे बच्चे के रिश्तेदार नहीं हो सकते, समझी? मुझे लगता है कि आपको अपने लफ्जों पर गौर करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि शामक के दिल में जो आपके लिए एहतराम है आप वो भी खो दें। वो तो तुम पहले ही करवा चुकी हो, अब और क्या करोगी? मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? शामक को खुद ही आपके माजी के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। तुम्हें अपनी औकात से ज्यादा मिल गया, इसलिए तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही। ये मत भूलो कि तुम्हारा रिश्ता दानियाल के साथ सिर्फ एक खिदमत गुजार का है। तुम उसके बच्चे की आया हो और उसके अपने कमरे में तुम एक कदम भी नहीं रख सकती हो। मेरे और दानियाल के दरमियान जो भी है उससे आपको गर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप दानियाल की जिंदगी में नहीं है, और अगर आप कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि आप हमारा पीछा छोड़ दें। मेरे और दानियाल के दरमियान जो भी है उससे आपको गर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आप दानियाल की जिंदगी में नहीं है, और अगर आप कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि आप हमारा पीछा छोड़ दें।
दानियाल आप खा क्यों नहीं रहे हैं? मैं लेता शामक आप? शामक अम्मी के साथ है, बहुत जिद कर रहा था तो अम्मी रुक गई है। अच्छा शाबाश। अच्छा सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा, खाना खाना है? भूख तो है, खा लेता हूँ। अच्छा जाओ फिर शाबाश, जल्दी से हाथ धोकर आओ। ओके नानो। आंटी प्लीज बैठिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, आप लोग अल्लाह का शुक्र है। मैं तो डरी गई थी कि कहीं तुम्हें मेरा यहाँ रुकना बुरा ना लग जाए। मुझे ऐसा क्यों लगेगा आंटी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? ये तो तुम कह रहे हो ना बेटा, तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि शायद फिरोज साहब ने तुम्हारी शादी जबरदस्ती फरियाल के साथ करा दी है। अम्मी क्या कह रही हैं? I'm really sorry आंटी, अगर आपको मेरे किसी रवैये से ऐसा फील हुआ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नानो मैंने हाथ धो लिए। शाबाश, बैठो खाना खाओ। क्या खाओगे? बिरयानी तुम्हारी फेवरेट है ना? मैं बिरयानी डाल के देता हूँ, ठीक है? मैं मामा ने अपने हाथ से बनाई है, ये लो। बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश। अरे वाह, मेरा बेटा इतना स्मार्ट हो गया, आपके साथ बहुत अटैच भी हो गया ये। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। प्यारा तो है ये, लेकिन अगर ये हमसायों के शीशे तोड़ना बंद कर दे तो ये और प्यारा हो जाएगा। पापा आप फरियाल से पूछ रहे हैं कितने दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं तोड़ा। अच्छा हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो गुड, प्रोग्रेस तो है कुछ। हाँ मैं ले रही हूँ। आंटी प्लीज आप ही लें। नहीं मैं ट्राई करूंगी। एक मिनट फरहान, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, आप बोलो। हाँ आपसे एक काम करो ना, सामान पिछले गोदाम में रख दो, मैं आके देख लूंगा। चाय? हाँ ठीक है। अरे कोई मसला हो तो बोल देना अरसलान साहब को, अरसलान साहब को फोन करे। नहीं, अरसलान साहब को फोन करे। ओके मैं सोच रहा था कि अम्मी को वहां रुकना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं रुकना चाहिए था? उस बच्चे ने इतनी मोहब्बत से रोका, वो तो बेबस हो गई। बच्चे ने? कौन से बच्चे ने? फरियाल, मेरा मतलब है दानियाल के बच्चे शामिक ने। अम्मी ने उसे कबूल कर लिया? कैसे कबूल ना करती, जब फरियाल उस बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है तो भला अम्मी उस मासूम बच्चे से कैसे नाराज हो सकती है? ये तो सच है, फरियाल ने ढाल लिया अपने आप को उसकी माँ के रूप में। वो जिन कितनी खुश और मुतमईन नजर आ रही थी। हाँ अल्लाह करे ऐसा ही रहे हमेशा। आमीन। मैं किचन से आती हूँ। वैसे शामक अम्मी के साथ बहुत अटैच हो गया है, मुझे तो आज कह रहा था कि मैं आज नानू के साथ ही सोऊंगा। ऐसे तुम्हारी अम्मी ने यहाँ पे आके अच्छा किया। हमको देख के ना मुझे अपनी नानी याद आ जाती है।
बिल्कुल ऐसे ही प्यार प्यार से हमें अच्छी अच्छी बातें याद कराया करती थी, जैसे पहला कलमा मुझे उन्होंने याद करवाया था। नानी होती है ऐसे। वैसे शामक ने मुझे बेदखल कर दिया है कमरे से। अच्छी बात है, मैं अम्मी के इल्म में ये बात नहीं लाना चाहती कि हम। हाँ, मैं भी नहीं चाहता उन्हें इस बात का इल्म हो। वैसे भी मेरा इमेज उनकी नजरों में कोई खास अच्छा है भी नहीं। हाँ, आज सानिया आई थी। क्या? फिर? Obviously, शामक से मिलने आई थी दानियाल। तो तुमने रोका क्यों नहीं उसे? दानियाल रोकने से मसला हल नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ कि आप उसे शामक से मिलने दिया करें, वो खुद ही फर्क महसूस कर लेगा कि जो औरत मोहब्बत को ठुकरा कर किसी और के पास जा सकती है, उसके दिल में माँ की मोहब्बत का कोई एहसास नहीं है। सही कह रही हो तुम। चाय? आजा बेटा। आंटी मैं बस चलूंगा। अरे ऐसे कैसे बेटा, ऐसे नहीं जा सकते, तुम आओ अंदर बैठो। आंटी मुझे जरा ऑफिस से देर हो रही है, एक जरूरी काम है, जाना होगा। हाँ मखा, तुमने तकलीफ की, इतनी दूर मुझे छोड़ने आ गए, मैं खुद आ जाती और तुम्हें ऑफिस से भी देर हो जाएगी। आंटी ऑफिस से देर होने का मसला नहीं है, दरअसल मैं आपकी बदगुमानी दूर करना चाहता था। बदगुमानी? कौन सी बदगुमानी? आपको लगता है मैंने फरियाल को अपने दिल से अपनाया नहीं? फरियाल मेरे घर का हिस्सा है। ये तो तुम्हारी सादत मंदी है बेटी, मेरी बच्ची फरियाल बहुत साबिर और शाकिर बच्ची है, उसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता। मेरी तुमसे यही दरखास्त है कि कभी भी जिंदगी में उसे धोखा मत देना, वरना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिक्र मत कीजिए आंटी, मुझे भी फरियाल उतनी ही अजीज है। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। दानियाल क्या हुआ है, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? सानिया आई थी ऑफिस, शामक को कुछ दिन अपने पास रखना चाहती है वो। तो आपने क्या कहा? वो जो तुमने मुझसे कहा था, कुछ दिन शामक उसके पास रहेगा तो उसे खुद ही फर्क पता चल जाएगा। लेकिन दानियाल, फिक्र मत करो, मैं सानिया को बहुत अच्छे से जानता हूं, उसे मां बनना नहीं आता, मां तो क्या उसे बीवी तक बनना नहीं आता। तैयार कर देना शाम को।
लेने आ जाएगी इसे। जी देखिए, मैंने वनीला केक बोला था, उसपे चॉकलेट फ्रॉस्टिंग चाहिए। एंड मेक श्योर कि बैटमैन वाले कपकेक्स 12 तो होने चाहिए, बॉक्स कर दें। हेलो जी, मैं आपको एड्रेस अभी एसएमएस कर रही हूँ। ओके थैंक यू। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। ये क्या केक के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, कोई आ रहा है क्या? शामा खार है। तुमने शावेज से पूछ लिया? नहीं। सानिया, तुम्हें शावेज से पूछ लेना चाहिए था। अगर उसको पता चल गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। क्या करूं मैं मनाल, मेरा बच्चा अजीबोगरीब किस्म के लोगों में पल रहा है। मेरे घर को उसने चिड़िया घर बना रखा है। तुम्हारा घर? You know what I mean? मेरा बच्चा अजीब अनकल्चर्ड लोगों के बीच में पल रहा है। हाँ, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें दानियाल से बात करनी चाहिए थी ना, ना कि तुम शामिह को घर पर ही ले आओ। प्लीज, दानियाल को तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो, बहुत वेल एडजस्टेड है वो उन लोगों के बीच में। तो चाहता था कि मैं भी उन जैसी हो जाऊं, अनकल्चर्ड, अनरिफाइंड, घर में बैठी रहूं, बच्चे पालती रहूं, बाहर की दुनिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। एंड यू नो समथिंग, वो एक अजीब स्ट्रेंज सी औरत को अपनी नानी कहता है। आई डोंट वांट माय सन ग्रोइंग अप विद दीस पीपल। मैंने रजिया को कह दिया है।